अगर आपका भी हमेशा से सपना रहा है कि आपका एक रेस्टोरेंट हो, तो हम आपके सफल होने की रेसिपी लेकर आए हैं। रेस्टोरेंट का बिजनेस आज के समय में काफी आसान है, साथ ही आजकल समय की कमी के चलते बाहर खाने का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। रेस्टोरेंट बिजनेस आपका समय और पैसा भले ही मांगता है, पर उतना ही फायदा भी आपको देता है। इसमें जरूरत है तो बस एक अच्छी प्लानिंग और सभी पहलुओं को अच्छे से जान लेने की। इस आर्टिकल में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट और थीम कर लेते हैं। रेस्टोरेंट खोलते समय अपने बजट के अनुसार ये पहले ही तय कर लेना जरूरी है कि आपके रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। बाद में आप बार बार आइडिया में बदलाव नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट निर्धारित करने के लिए आपके पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। स्थानीय व्यंजनों के अलावा आपके आसपास के लोग इंटरनेशनल या नॉन वेजिटेरियन खाने का जायका भी चखना पसंद करते हैं, तो आप उस तरह का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। जैसे कि आजकल के हिसाब से पिज्जा या फास्ट फूड कॉन्सेप्ट के रेस्टोरेंट काफी चलते हैं, तो आप उसी के अनुसार तय कर सकते हैं। एक बार बजट के हिसाब से आइडिया तय करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको रेस्टोरेंट की थीम पर भी ध्यान देना होगा। रेस्टोरेंट के अंदर का इंटीरियर उसके फूड आइटम से मेल खाना जरूरी है। इंटीरियर पर एक बार भले ही खर्च होगा, पर ये कस्टमर को आकर्षित करने में काफी मदद करता है। अच्छी लोकेशन का चुनाव। इस बिजनेस में लोकेशन के मायने बहुत ज्यादा हैं। आपको पूरी तरह से सर्वे करना होगा कि आपने जिस जगह का चुनाव किया है, वहां आपके प्रतिस्पर्धी कौन है, कितने हैं। साथ ही देखें कि जो थीम आपके रेस्टोरेंट का है, वैसा ही थीम से मेल खाते रेस्टोरेंट क्या पहले भी इस एरिया में है या नहीं। साथ ही जानकारी रखें कि आपको किस तरह के कस्टमर से डील करना है। अगर आपने लोकेशन तय करने में कोई ढील की, तो ये आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले लगने वाली लागत। बहुत से लोगों के रेस्टोरेंट खोलने के सपने बजट के सामने कमजोर हो जाते हैं, इसलिए लागत की जानकारी पहले से होना जरूरी है। एक बार लागत निर्धारित होने के बाद आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसे में आप दो तरह से होने वाले खर्च का निर्धारण कर सकते हैं। खुद से खर्चा उठाना। अगर आपके बैंक में इतना पैसा है कि आप शुरुआती कुछ महीने रेस्टोरेंट को संभाल सकते हैं, तो इससे कुछ अच्छा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, तो आप लोन लेने का विचार ले सकते हैं, जिसके लिए आप बैंक में अपने आइडिया का प्रपोजल रख सकते हैं। अगर करवाना चाहते हैं फंडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की फंडिंग कोई बाहर की एजेंसी करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि ये जरा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बाहरी फंडिंग करने से पहले आपके द्वारा किए गया मुनाफा जरूर देखता है। ऐसे में आपको सामने वाली पार्टी को इस बात के लिए मनाना होगा कि आपका आइडिया किस तरह से बाकी लोगों से अलग है। रेस्टोरेंट शुरू होने पर लगने वाला पूरा खर्च। रेस्टोरेंट खोलने के बाद बहुत सी चीज जिन पर आपके खर्च का ज्यादातर हिस्सा लगता है, इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। रेट सबसे अहम खर्चा होता है, जो उठाना होगा वो है रेस्टोरेंट का रेट। अगर जगह आपकी खुद की है, अलग बात है, नहीं तो आपको इसके रेंट को लेकर एग्रीमेंट आदि की जानकारी लेनी होगी। खाने का खर्चा, कोई भी डिश तैयार करने के लिए आपको उससे जुड़े कच्चे सामान को जुटाना होगा, जिसके लिए आपको सप्लाई करवाने वाले लोगों से संपर्क रखना होगा और मेन्यू में खाने की कीमत अपने खर्च के अनुसार निर्धारित करनी होगी। लेबर का खर्च, रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको एक्सपर्ट शेफ और साथ ही बाकी लेबर भी हायर करने होंगे। सभी तरह के लाइसेंस लेना है जरूरी। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने के बाद किसी भी तरह की कानूनी परेशानी नहीं चाहते, तो आपको सभी लाइसेंस अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जानकारी होनी चाहिए। अनसुरक्षा लाइसेंस, FSS नियामक 2011 के अंतर्गत लाइसेंस पाना प्राथमिक आवश्यकता है। हर रेस्टोरेंट मालिक को FSSAI के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस लाइसेंस के बिना रेस्टोरेंट और बिजनेस करना कानूनी जुर्म है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। बीमा, रेस्टोरेंट के पास सार्वजनिक जिम्मेदारी, उत्पाद की जिम्मेदारी, अग्नि सुरक्षा नीति तथा इमारत और माल मत्ता नीति, इनके लिए बीमा होना आवश्यक है। ये किसी भी मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी से पाए जा सकते हैं। साइंस लाइसेंस, इस लाइसेंस को आप नगरपालिका समिति या नगर निगम जैसे स्थानीय नगर प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अपने शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपके रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इन सब के अलावा नाप तौल विभाग की स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, उदाहक अनुमति, पर्यावरणीय मंजूरी का प्रमाण पत्र लेना भी आवश्यक है। सही तरह से मार्केटिंग करना है जरूरी।
विज्ञापन देने के लिए आपको रेस्टोरेंट के खुलने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लोगों को आकर्षित करने के लिए आप अपने रेस्टोरेंट का प्रचार कुछ हफ्ते पहले ही आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आप शहर के प्रमुख जंक्शंस पर अपने रेस्टोरेंट के बैनर और पोस्टर लगा सकते हैं। स्थानीय एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की मदद से पर्चों द्वारा अपने रेस्टोरेंट का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश की फोटो को आकर्षक ढंग से लगाकर लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। फीडबैक है बेहद जरूरी। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों से फीडबैक जरूर लें। ये सुझाव रेस्टोरेंट को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। बस ये हमेशा ध्यान रखें कि इस बिजनेस में लोग बहुत विश्वास से आपके पास आते हैं, क्योंकि खाना सीधा लोगों के दिल, दिमाग और हेल्थ से जुड़ा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप कस्टमर की उम्मीद पर खरा उतरें।